वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा का पूरा महीना आज के वीडियो में जानकारी आपको देंगे, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक सुनिएगा। आपके वृश्चिक राशि पर अभी वर्तमान में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है और शनि की ढैया के कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप मानसिक तनाव में तो चल ही रहे हैं। अगर हम विषय को आगे बढ़ाएं और डिटेल बात करें तो मैं ये कहूँगा कि आपके कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो सूर्य ग्रह के पास आ जाती है और सूर्य फर्स्ट 16 डेज तक आपके भाग्य के घर में बैठे हैं। इसका मतलब वो आपसे मेहनत ज़्यादा कराना चाहते हैं, परिश्रम ज़्यादा कराना चाहते हैं, वो आपसे तपस्या ज़्यादा कराना चाहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले जो 16 दिन रहेंगे उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा होगी, बट आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और वो ये है कि जैसे ही 16 अगस्त को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और वो यहाँ सिंह राशि में आ जाएंगे कैरियर के घर में, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि सूर्य अपने घर में होंगे, अपने घर में रह करके बलवान होंगे, अपने कारक स्थान में रहेंगे और वृश्चिक राशि के ये मित्र भी हैं और वृश्चिक राशि मंगल की होती है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य का सिंह राशि में रहना, कैरियर के घर में रहना, ट्रांसफर प्रमोशन उन्नति के घर में रहना, नीति विद्वान शास्त्र के घर में रहना, आजीविका के संसाधनों के घर में रहना, यश के घर में रहना, कीर्ति के घर में रहना, एक तरीके से इन तमाम कार्यों में आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपकी उन्नति के मार्ग बनेंगे, ऐसा आपकी हॉरोस्कोप कहती है, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब ये तो बात हुई आपके कैरियर की कि कर्म भाव पर सूर्य रहेंगे, 16 तारीख के बाद कुछ बड़े बदलाव आएंगे, शनि जरूर देख रहे हैं यहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि से कैरियर को, बट सूर्य अपने घर में होंगे 16 तारीख को तो इनको बल मिलेगा, अच्छी बात है। इससे पहले बुध शुक्र की युति बनी हुई है तो स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, कला से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे ग्रह योग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप भी मन लगा के कार्य करिए, आप निश्चित तौर पर आगे उठेंगे, आपके ऐसे कुंडली के ग्रह चाल दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसी विषय को मान सम्मान से जोड़ करके, मंगल के पास जिम्मेदारी। मंगल ने बोला ठीक है मेरे पास मान सम्मान है, मंगल ये बैठे और यहाँ से सीधा सप्तम दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर 26 तारीख को मंगल इस घर से निकल के इधर अष्टम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो आपके मान के लिए, सम्मान के लिए, यश के लिए, वैभव के लिए, उन्नति के लिए, नीति शास्त्र विद्वानता के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत उत्तम हो जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मंगल का जो ये ग्रह योग बनेगा ये काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करता हूँ विषय को और आगे बढ़ाते हुए, बट हाँ 26 तारीख के बाद अलर्ट, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा, कागज पेन रख लीजिएगा। दोस्तों पैसे के अभाव में जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है कुछ भी नहीं है, ये एक यथार्थ सत्य है, इसलिए धन की प्रधानता सबसे अधिक बताई गई है। अब धन का स्वामी यहाँ पर हो जाता है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि 9 नंबर लिखा है, गुरु बैठा है सप्तम भाव में, गुरु ने बोला मैं बैठ गया ना, क्यों चिंता करते हो, और साथ में आपकी बुद्धि उन्नति को लेकर के बैठ गया सप्तम भाव में। अब यहाँ गुरु का बैठना सप्तम में, मंगल के साथ बैठना, ये आपके धन के लिए, ये आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, आपको जीवन साथी से धन का लाभ प्राप्त होगा, केंद्र में आ गया है तो धन आवक के योग बनेंगे। प्रयास तो देखो करना ही पड़ता है, बिना प्रयास करे तो कुछ भी नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बट अच्छी बात यह है कि गुरु मंगल की युति 26 अगस्त तक रहेगी, जो आपको फाइनेंशियली गेन दे सकती है और आपके धन के घर में यानी कि 9 नंबर पर कोई भी बुरा ग्रह का प्रभाव नहीं है, ना दृष्टि से ना युति से। और फिर इस घर का स्वामी भी केंद्र में है, ठीक स्थिति में बैठा हुआ है, और 26 तारीख के बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, बट एक तरीके से अभी तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्या कहती है आपकी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ही बोली गई है और है भी यही। हेल्थ की जिम्मेदारी मंगल के पास है, ये जो है रोगेश मंगल केंद्र में है, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में को खराब करेगा, दोनों में से किसी एक का। इसके अलावा आपको खुद को भी परेशानी तो रहेगी, अगर ब्लड प्रेशर बना हुआ है, फ्लैक्चुएट बहुत हो रहा है, तो इस समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब मंगल ग्रह इधर सप्तम भाव में है, रोगेश होकर के है, बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लाइफ का हिस्सा है तो चलती ही रहती हैं, इनसे घबराना क्या। दाम्पत्य जीवन,
इस घर के अंदर मंगल गुरु बैठे हैं, इस घर का लॉर्ड सेवंथ हाउस का शुक्र बनता है, वो केंद्र में कर्म भाव पे बैठा है। कोई चिंता और घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत नीतिवान होकर के कार्य करेंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ, ये मैरिज लाइफ का घर है जहाँ दो नंबर लिखा है। यहाँ का स्वामी शुक्र नीच हो जाएगा 24 तारीख की रात को, यानी कि 25 से आपको अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। 25 तारीख से शुक्र ग्रह जब लाभ के घर में नीच राशि कन्या में होंगे तो यहाँ ये दिक्कत आपके साथ में रहेगी, ये मैं आपसे कहूँगा। अब शुक्र कन्या राशि में नीच का होगा 25 से, तो फिर आप संभल के काम करना और आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि 25 तारीख से अधिक खर्च आपके मानसिक तनाव का कारण बनेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। ऐसे आपके मुझे यहाँ पर ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और नेक्स्ट विषय ये कहता है कि आपका जो सुख साधन का घर है, जो हर व्यक्ति की एक इच्छा रहती है, वो जिम्मेदारी है शनि के पास। ये फोर्थ हाउस, यहाँ शनि रेट्रोग्रेड हैं वक्री, और अपने घर में एक शश राजयोग बना करके भी बैठे हुए हैं। कुछ नया खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के आचार्य जी से, पंडित जी से, ऐसे मत भड़िएगा, पर हाँ मैं कहूँगा कि ले सकते हैं। और अगर टाल सकें तो एक महीने के लिए टाल सकते हैं, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और अगर बहुत नेसेसरी है तो फर्स्ट 15 डेज में अगस्त में लेना उचित रहेगा। बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, गुरु के पास आ जाती है, गुरु केंद्र में है, एजुकेशन के लिए ठीक है। राहु रिसर्च के घर में बैठे हैं, रिसर्च अच्छी करा देगा, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह योग बहुत सुंदर चल रहे हैं। आगे भी और भी चर्चाएं होंगी, इसी में होंगी। उससे पहले एक विशेष सूचना दे देता हूँ, सावन का महीना चल रहा है, यदि आप रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है सावन के महीने में अभिषेक कराना, और रुद्राक्ष अगर आप धारण भी करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सावन के महीने में अपने ग्रह अनुसार, अपने ग्रहों में जो भी आपके परेशानियां चल रही हैं उसके गोचर के अनुसार आप धारण कर सकते हैं। तुरंत आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। लिमिटेड सीट्स रहेंगे रुद्राभिषेक की। अब बात करते हैं आपसे विदेश की। विदेश के घर में नीच का हो जाएगा शुक्र 25 तारीख से सुबह से, तो जो भी विदेशों से रिलेटेड काम है कोशिश करिएगा 25 से पहले पहले कर लें, उसको निपटा लें, अन्यथा बाद में आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से, क्या कोई धोखा मिल सकता है? तो बिल्कुल कहूँगा कि आपको धोखा मिल सकता है, आपको अपने से आयु में छोटे लोगों से मिल सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग मेटल का, लोहे का, एलुमिनियम का काम करते हैं उनको 16 अगस्त के बाद में लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।